नमस्कार मुद्रा, दोनों हाथ तानते हुए ऊपर खींचे, हाथ को खींचे, श्वास निकालते हुए नीचे, दोनों हथेली नीचे टिकाते हुए लेफ्ट पैर पीछे ले जाएं, दूसरा पैर पीछे लगाएं, एड़ी को नीचे आसन पर, एड़ी खींचे पीछे, पहले घुटना लगाएं, फिर धड़, फिर माथा, दोनों हथेली पर प्रेशर डालते हुए भुजंग आसन, कमर नीचे गर्दन पीछे होल्ड करें, हथेली और पंजे पे दबाव डालते हुए सेंटर पार्ट ऊपर, एड़ी लगाएं आसन पर, राइट लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं एक ही स्ट्रोक में आगे, कमर नीचे गर्दन पीछे, दूसरा पैर भी आगे, माथे को लगाएं घुटने पर, श्वास करते हुए ऊपर, गर्दन समेत बाजू पीछे, प्रणाम मुद्रा, ओम मित्राय नमः, श्वास भरते हुए फिर से दोनों भुजाएं ऊपर, गर्दन समेत बाजू पीछे, श्वास निकालते हुए नीचे, माथे को लगाएं घुटने पर, दोनों हथेलियां नीचे टिकाते हुए राइट पैर को पीछे ले जाएं, लेफ्ट पैर पीछे ले जाएं, एड़ी को लगाएं आसन पर, पहले घुटना लगाएं, फिर धड़, फिर माथा, अब दोनों हथेली पर दबाव डालते हुए भुजंग आसन की स्थिति में आएंगे, कमर नीचे गर्दन पीछे होल्ड करें, होल्ड करें, अब हथेली और पंजे पे दबाव डालते हुए सेंटर पार्ट ऊपर ऊपर लाएं, राइट पैर को ऊपर उठाएंगे एक ही स्ट्रोक में आगे, लाएं आगे, कमर नीचे गर्दन पीछे, दूसरा पैर भी आगे, माथे को लगाएं घुटने पर, श्वास भरते हुए ऊपर, गर्दन समेत बाजू पीछे, प्रणाम मुद्रा, ओम भानवे नमः, श्वास करते हुए दोनों भुजाएं ऊपर, गर्दन समेत बाजू पीछे, श्वास निकालते हुए नीचे, नीचे आए, लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएं, कमर नीचे गर्दन ऊपर, होल्ड करें, दूसरा पैर भी पीछे, एड़ी को पीछे लगाएं, एड़ी आपकी देखें पूरा आसन पे लग जाए, पहले घुटना लगाएंगे, फिर धड़, फिर माथा, अब दोनों हथेली पर प्रेशर डालते हुए भुजंग आसन की स्थिति, कमर नीचे गर्दन पीछे, अब हथेली और पंजे पे दबाव डालते हुए सेंटर पार्ट ऊपर, सेंटर पार्ट को ऊपर लाए, लगाए एड़ी को पीछे की ओर, लेफ्ट पैर को ऊपर उठाए, ऊपर उठाए एक ही स्ट्रोक में आगे, कमर नीचे गर्दन पीछे, होल्ड करेंगे, होल्ड करें, दूसरा पैर भी आगे, माथे को लगाएं घुटने पर, लगाएं घुटने पर, श्वास भरते हुए ऊपर, गर्दन समेत बाजू पीछे, प्रणाम मुद्रा, ओम भास्कराय नमः, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर, दोनों भुजाएं ऊपर, गर्दन समेत बाजू पीछे, श्वास निकालते हुए नीचे आए, दोनों हथेली नीचे टिकाएं, घुटने सीधे, राइट पैर को पीछे ले जाएं, कमर नीचे गर्दन पीछे, दूसरा पैर भी पीछे लाएं, एड़ी लगाएं पीछे की ओर, लगाएं एड़ी,
पहले घुटना लगाए, फिर धड़, फिर माथा। हथेली पर प्रेशर डालते हुए भुजंग आसन की स्थिति में आए, कमर नीचे, गर्दन पीछे। अब हथेली और पंजे पे दबाव डालते हुए सेंटर पार्ट ऊपर ऊपर लाए, एड़ियां लगाए पीछे। राइट पैर को एक उठाए ऊपर, एक ही स्ट्रोक में आगे, कमर नीचे, गर्दन पीछे। दूसरा पैर भी आगे, माथा लगाए घुटने पर, श्वास भरते हुए ऊपर, गर्दन समेत बाजू पीछे, प्रणाम मुद्रा, ओम रवे नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर, खींचे हाथ को, गर्दन समेत बाजू पीछे, श्वास निकालते हुए नीचे आए, नीचे आए, लेफ्ट पैर को पीछे ले जाए, लेफ्ट पैर पीछे ले जाए, लेफ्ट पैर पीछे, दूसरा पैर भी पीछे लेकर आए। पर्वतासन, एड़ी लगाए, पहले घुटना लगाए, फिर धड़, फिर माथा। हथेली पर प्रेशर डालते हुए भुजंग आसन की स्थिति में आएंगे, कमर नीचे, गर्दन पीछे। होल्ड करें, होल्ड करें। अब हथेली और पंजे पे दबाव डालते हुए सेंटर पार्ट ऊपर लाए, ऊपर लाए, एड़ी को रखें नीचे, लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएं, एक ही स्ट्रोक में आगे, कमर नीचे, गर्दन पीछे। दूसरा पैर भी आगे, माथे को लगाए घुटने पर, श्वास करते हुए ऊपर, गर्दन समेत बाजू पीछे, प्रणाम मुद्रा। रिलैक्स, रिलैक्स करें। एक बार ताड़ासन कर लेंगे, दोनों हाथ खींचे ऊपर, खींचे, पंजों के बल खड़े हो जाए, खींचे, होल्ड करें, रिलैक्स, वापस आए, बैठ जाए सारे आसन पर, बैठ जाएंगे, बैठ जाए आसन पर, आसन पर बैठ जाए। बटरफ्लाई शुरू करेंगे, बटरफ्लाई शुरू करें। बटरफ्लाई शुरू करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। रिलैक्स, दोनों हाथों से पंजों को पकड़े, पकड़े पंजों को, श्वास भरे, श्वास निकालते हुए आगे की ओर आए, आए आगे की ओर, लगाए माथे को पंजे पर, होल्ड करेंगे, होल्ड करें। सेंटर, सेंटर में आए, वापस नॉर्मल पोजीशन में बैठेंगे, सुखासन, सुखासन में बैठे, हाथ को साइड में रखे, दूसरा हाथ ऊपर लाए, खींचे, साइड स्ट्रेच, हाथों को खींचे और इस हाथ को उतनी लंबाई दे जहां तक ये हाथ मुड़े ना। हाँ, होल्ड करें, इस घुटने को ऊपर नहीं उठाना, होल्ड करें,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वापस आए। दूसरी साइड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वापस आए। वापस आए पैरों को खोलेंगे और इस पोजीशन में आ जाए, इस पोजीशन में आ जाए, इस पोजीशन में आ जाए। कोई भी एक पैर को पीछे स्ट्रेट करे, स्ट्रेट करें, स्ट्रेट करें, पैर को अपनी साइड मोड़े, 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 ऊपर उठाए, जितना उठा सकते हैं ऊपर उठाएंगे। अब इसी पैर को आगे की ओर लाए, माथे को लगाए घुटने पर, फिर से ऊपर ले जाए, ऊपर ले जाए, पैर को ऊपर ले जाए, फिर आगे लाए, फिर पीछे ले जाए, फिर आगे लाए, रिलैक्स। अब दूसरे पैर को पहले स्ट्रेट करें, फिर ऊपर लाए, खींचे पैर को, खींचे और खींचे और खींचे, घुटने को आगे लाए, फिर पीछे ले जाए, आगे लाए, फिर पीछे ले जाए, फिर आगे लाए, फिर पीछे ले जाए। हाँ बैठे, एक बार बैठे, वज्रासन में आ जाए एक बार। फिर से हाथ को रखेंगे, हाथ को रखें, अब इस पोजीशन में आए। हाँ एक पैर को आगे लाएंगे, एक पैर को आगे लाए, इस पैर को पीछे की ओर खींचे, इस पोजीशन में रहेंगे पैर मेरे, ठीक है। अब घुटना नीचे लगाए, लगाए इस प्रकार, बैलेंस बनाएंगे और बैठेंगे इस प्रकार, बैठे। वापस आए, दूसरे पैर को आगे लाए, घुटना नीचे टिकाए, हाँ बैठे इस प्रकार बैठे, पैर पीछे रखें, होल्ड करें, गर्दन ऊपर होल्ड करें। वापस 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 आए, इसी पोजीशन में आएंगे, वापस वापस आए। हाँ अब फिर से पर्वतासन में आ जाए, पर्वतासन में आए, एक पैर को उठाएंगे, एक पैर को उठाएं, दूसरी तरफ रखें और बैलेंस बनाते हुए इस पोजीशन में आएंगे, आए, फिर बैलेंस टिकाते हुए वापस उसी पोजीशन में। अब दूसरा पैर उठाएं, दूसरा पैर उठाएं, क्रॉस करें दूसरी साइड, हाथ को ऊपर उठाते हुए इस पोजीशन में आए। फिर वापस आए उसी पोजीशन में, हाथ पहले लाए, पैर भी लाए साथ साथ, रिलैक्स। वज्रासन में बैठे, वज्रासन में बैठे, वज्रासन में बैठे, वज्रासन में बैठ जाए। एक बार सीधा बैठे, एक पैर को अंदर मोड़ेंगे, एक पैर को साइड में स्ट्रेच करें,
ठीक है, ये जितना इस पैर को स्ट्रेच कर सकते हैं करेंगे, ठीक है। अंगूठे को पकड़े, अब अपनी अलाइनमेंट देखे, मेरा पूरा सामने हो फ्रंट, हाँ, दूसरा हाथ ऊपर लाए, खींचे, श्वास भरे, श्वास निकालते हुए साइड स्ट्रेच, होल्ड करें, होल्ड करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वापस आए, अपने आप को स्ट्रेट करेंगे, हाँ। अब दोनों हाथ तानते हुए ऊपर ले जाएं, खींचे हाथ को, खींचे और खींचे, श्वास भरे, साइड स्ट्रेच, आए साइड में, होल्ड करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सेंटर, वापस आए। आप दोनों हाथों को फिर से ताने ऊपर की ओर, खींचे, श्वास भरे और आगे की ओर जाएं, होल्ड करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सेंटर, वापस आए, हाथ साइड से वापस। अब ये वाला पैर है, इसको पीछे ले जाएंगे, इस पैर को पीछे ले जाए, ये पैर मेरा आगे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। धीरे से खोलियो, हवा से, ठीक है। पैर को पीछे ले जाए, इसको इस पोजीशन में रखेंगे, ऐसे दिखा देती हूँ, ये पैर मेरा पीछे गया, ठीक है। इस पैर को थोड़ा सा बैलेंस बनाते हुए इस पोजीशन में आए, कमर नीचे करें, गर्दन पीछे करें, होल्ड करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, रिलैक्स। देखो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट बैठ जाए, हाँ। पैरों की पोजीशन चेंज करें, ये अंगूठे को पकड़े, दूसरा हाथ ऊपर लाए, खींचे हाथ को, खींचे, श्वास निकालते हुए साइड स्ट्रेच, होल्ड करें और आगे आए, सेंटर, वापस आए। 1 घंटे की साधना, जिन्होंने शरीर पर ध्यान दे लिया ना, उसके सारे अंग खुल जाते हैं, नस नाड़ियां रक्त से पोषित हो जाती है। अब दोनों हाथ तानते हुए ऊपर खींचे, श्वास भरे, जो भी प्रॉब्लम्स आपको होती है, सोचो अगर ना करें तो कितनी प्रॉब्लम्स आए, खींचे हाथ को, श्वास भरे, श्वास निकालते हुए साइड स्ट्रेच, होल्ड करें, 1 और खींचे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सेंटर, वापस आए। एक बार फिर तानते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं, स्ट्रेच करते हुए खींचे, श्वास भरे, श्वास निकालते हुए आगे आए, होल्ड करें, सेंटर में आए, वापस। आप ऐसे बैठे बैठे भी इस पोजीशन में आ सकते हैं, जरूरी नहीं है इस पैर को पीछे ही लाना है, ठीक है। ये भी इस पैर को थोड़ा आगे कर लें, ये पोजीशन ले लें,
ठीक है, एक हाथ तलवे पर, एक हाथ घुटने पर, बैक बेंडिंग, बहुत सुंदर एक्सरसाइज है, ढंग से होती है तो बहुत सुंदर होगी। होल्ड करें, होल्ड करें, होल्ड करें, आगे की ओर जाएं, आगे की ओर जाएं, वापस रिलैक्स रिलैक्स हो, वज्रासन में आ जाएं, वज्रासन में आ जाएं, वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन जो आप कभी भी और किसी भी समय लगा सकते हैं। हमारी इस टाइम काफ मसल्स जगती हैं, काफ मसल्स के अंदर वॉल्व होते हैं, वो खुलते हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं। पिंडलियों में कई बार आप बैठोगे तो दर्द होता है, इसका मतलब हमारी वहां से बिल्कुल स्टिफ हुआ हुआ है। करेंगे मंडूकासन, दो चार आसन और कर लेते हैं। मंडूकासन करें, नाभि के नीचे रखें हाथ को, श्वास भरें, श्वास निकालते हुए आगे की ओर आए, होल्ड करें, होल्ड करें, सेंटर सेंटर में आए। अब बाएं हाथ का कप बनाए, नाभि के ऊपर रखें, राइट हैंड उसके ऊपर रखें, श्वास को गहरा व लंबा भरेंगे, श्वास निकालते हुए आगे की ओर आए, आए आगे की ओर, होल्ड करें, सेंटर रिलैक्स, धन उष्ट्रासन कर लेते हैं, घुटनों के बल खड़े हो जाएं, पीछे से पैरों में भी और घुटनों के बराबर पास ना, घुटने भी उतने खुले जितने हमारे शोल्डर है, पैर भी पीछे से उतने हैं जितने हमारे शोल्डर है, दोनों हाथ कमर पर रखें, अंगूठे रीढ़ की छोर पर, श्वास भरें, अंगूठे से रीढ़ को दबाएंगे और उतना ही बैंड होंगे जितनी आपकी कमर अलाउ करे, ठीक है, और अगर आधे से ज्यादा कमर बैंड हो गई है तभी दोनों हाथ हटाते हुए तलवे पे रखेंगे, कमर गर्दन को पीछे की ओर लटका लें, नाभि को खींचे आगे की ओर, होल्ड करें, सेंटर सेंटर में आए, बैठे एक बार नॉर्मल होकर, पेट की बल आ जाए, पेट की बल आए, रिलैक्स पोजीशन, पीछे से पैर खुले हुए, दोनों हथेली एक दूसरे के ऊपर, ठुड्डी उसके ऊपर, और पीछे से पैर को खोल के रखेंगे, जितना आपकी आसन है, आसन की चौड़ाई है उतने ही पैर खोलेंगे, और दोनों हाथों को साइड से राइट और लेफ्ट रखेंगे, दोनों हथेली पर प्रेशर डालते हुए भुजंगासन, भुजंगासन, नाभि तक का पार्ट आपका उठा हुआ हो, होल्ड करें, गर्दन पीछे, बहुत ही सुंदर पोस्चर है, होल्ड करें, कमर नीचे गर्दन पीछे, वापस आए, अभी हथेली की पोजीशन यही रहेगी, एक बार फिर करेंगे, हथेली पर प्रेशर डालते हुए आ जाए, कमर नीचे गर्दन पीछे,
वापस रिलैक्स, राइट हैंड ऊपर से लाते हुए कमर के बल आ जाए, कमर के बल आ जाए। शरीर को ढीला छोड़े, छोड़े शरीर को ढीला। लोअर एब्डोमेन एक्सरसाइजेस करेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियों को अपने हिप्स के नीचे रख लें, सपोर्ट के लिए नीचे रख लें, दोनों पैर सीधे, हाँ पैरों को अप डाउन करेंगे, दोनों को मिला के अप डाउन शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, रिलैक्स, रिलैक्स करें। मोस्टली घुटने मोड़ते हैं, घुटने नहीं मोड़ने, पैरों को जितना स्ट्रेट होगा, जितना ऊंचाई तक लेके आ सकते हैं उतना लाए, पोस्चर नहीं बिगाड़ना। श्वासों को सामान्य करें, पैरों को फिर से ऊपर उठाएं थोड़ा सा, और एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, ठीक है। वन बाय वन करेंगे, अप डाउन शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, रिलैक्स, नीचे आए। सांसों को सामान्य करें, जो हिलडुल हो रही है ना नस नाड़ियों की, उसको महसूस करें। ये आपके अंदर जो ब्लड बह रहा है ना, वो हिलता है, वो महसूस भी होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कहते हैं। सांसों को सामान्य करें, सामान्य करें। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ 180 डिग्री पे रखें, राइट पैर को मोड़कर घुटने के ऊपर रखें, श्वास भरें, घुटने को ले जाए लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। सेंटर में आए, अभी पैर इसी पोजीशन में रहेगा, एक बार फिर जाएंगे, होल्ड करें, सेंटर, पैर सीधा करें, दूसरा पैर मोड़ें, उठा के घुटने के ऊपर रखें, सांस भरें, घुटने को ले जाएं दूसरी साइड, गर्दन उसकी अपोजिट साइड, होल्ड करें, होल्ड करें, हाथ खींचा हुआ। अगर आप लेफ्ट पैर को उस साइड ले जा रहे हैं तो राइट, लेफ्ट साइड हार्ट की साइड, जितनी आर्टरीज है उसकी दीवारों पर चिपका हुआ मल टूटता है। सेंटर, अभी पैर को इसी पोजीशन में रखेंगे, एक बार फिर जाए दूसरी साइड, दूसरी साइड जाए, हाँ दूसरी साइड जाए, होल्ड करें, सेंटर, वापस हाथ नीचे लाएं, अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, शरीर ढीला, पैरों की एक एक नस नाड़ी को ढीला छोड़ें, हाथों को ढीला छोड़ें, अपने मुख मंडल को ढीला छोड़ें, नेवल पार्ट को ढीला छोड़ें, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं,
मेरा पूरा शरीर ढीला, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं। महसूस करें उस आनंद को जो आपको मिल रहा है। धीरे धीरे शरीर में चेतनता लाएं, कोमलता से आंखें खोलें, उठकर बैठ जाएं। बैठ जाएं उठकर। सुखासन में बैठे, गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हथेलियां पलटकर घुटने पर, गर्दन को राइट साइड ले जाएं, सेंटर लेफ्ट साइड ले जाएं, सेंटर राइट साइड, सेंटर लेफ्ट साइड, सेंटर दाया कान दाएं कंधे पे लगाएं, सेंटर बायां कान बाएं कंधे पर। इतना मतलब पूरा स्ट्रेच आना चाहिए आपका यहाँ पे, जो नसें हैं पूरी खिंचाव में आए। सेंटर गर्दन को ऊपर ले जाएं, नीचे वाले होंठ को ऊपर की ओर लगाएं, ऊपर लगाएं। सेंटर गर्दन को गोलाकार स्थिति में घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, आंखें बंद, दोनों हाथों को आपस में रब करें। अपने मुख मंडल पर और पूरे शरीर को ज्ञान ऊर्जा देते हुए क्लास को विराम देते हैं। कल मिलेंगे, ठीक है? 4 o'clock। आज की क्लास ठीक लगी? अच्छी है, फर्स्ट क्लास। अच्छा, ओके। हाँ चलो, ओके।